सो वही शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोली यानी कुछ शान है। तारक मेहता शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। गाइस नो डाउट, जब तारक मेहता शो के अंदर गोली का फेयरवेल हुआ था उस समय पर तारक मेहता शो की टीम के साथ साथ गोली भी रो गए थे। गाइस आपने देखा वो फेयरवेल के टाइम पर सभी लोग भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन गोली सच में रो पड़े थे क्योंकि 16 साल के बाद वो शो को छोड़ कर जा रहे हैं। 16 साल के बाद वो उस टीम को छोड़ कर जा रहे हैं जिसके साथ उन्होंने घर में रहने वाले फैमिली मेम्बर से ज़्यादा टाइम तारक मेहता शो के सेट पर रहने वाले फैमिली मेम्बर के साथ में स्पेंड किया है, और ये सभी लोग इसीलिए भावुक हुए थे। वेल दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल पर सभी लोगों ने गोली को उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला है। शो में काम करने वाली बबीता जी हों या फिर अंजलि भाभी या फिर पलक सिद्धवानी, सोनू या फिर तारक मेहता शो के बाकी कलाकार, और गाइस इसी के साथ साथ तारक मेहता शो के मेन लीड एक्टर जेठालाल यानी दिलीप जोशी ने भी गोली का एक वीडियो शेयर करते हुए उसे उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला है। वेल दोस्तों, ये तो रही बात तारक मेहता शो में काम करने वाले कलाकारों की। वेल दोस्तों, आप क्या गोली को मिस करेंगे? गाइस गोली के बारे में आपके जो भी रिव्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ।